गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है 4:45, लेकिन आप वेदर देख सकते हो। कल रात आया बहुत देर, उसके बाद खाना लेने के लिए गया, उसके बाद फिर वापस आके खाना खा के उसके बाद सो गए, एकदम फ्रेश हो गया, पूरा नींद खुला 6:30 बजे। नहाना है, नहा के खा के फिर निकल जाना है। तभी का प्लान हुआ है, आज जाएंगे चटकपुर। चटकपुर बोल के गाँव है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, हाइट है 7,000 फीट। 8 बजे निकल जाएंगे शायद। चटकपुर जाने से पहले और भी एक जगह जाएंगे, वो आपको रास्ते में बताएंगे। चलिए अभी टाइम हो गया निकलने का, नाश्ता वगैरह कर लिया, अभी सिर्फ तेल भरवाना है, उसके बाद निकलना है। मैं इधर था द मैपल होटल में, अच्छा ही था। चलिए आज वेदर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए इधर का रोड अच्छा ही है, ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि आज मंडे भी है, सिलीगुड़ी तक ही ट्रैफिक है, लेकिन आज मौसम सही है, उतना गर्मी नहीं है, ये सही बात है। सबसे पहले होटल भरवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। जाना है दूसरी तरफ, लेकिन मैं इस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तेल भरवाना है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है इस तरफ। अच्छा, फिर मुझे यूटर्न लेना पड़ेगा। फिर सभी हम लोग आ गए दार्जिलिंग मोड़ पर से, धोत्रे सांदकपू मानवरंजन जाने का गाड़ी भी मिलता है। अभी इधर से काशी आएंगे 45, 3:25, 16:07, दार्जिलिंग 77। ये दाएं तरफ देखिए टॉय ट्रेन का लाइन, ये वाला सुखना तक तो लोग रहेगा, सुखना तक लोग ऑफिस वगैरह सब कुछ है, पर हाउसिंग कंपनीज भी अभी हो गया, इसीलिए इधर का मौसम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है रैपिडली। कब क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। वो देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो दार्जिलिंग तक जाता है, सिक्किम तक जाता है, पाकिंग तक भी जाता है, कंचनजंगा व्यू भी आता है। पहाड़ में आ रहे हैं, पहाड़ में जाने के बाद आपको चलाने में बहुत मजा आएगा। जब पहाड़ से नीचे आओगे ना, तब आपका हालत खराब हो जाएगा। इस तरह सहायता बढ़ाने इधर कॉम्प्लेक्स नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो सिलीगुड़ी में पहले जो सिलीगुड़ी आया था तो बहुत छोटा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, पॉल्यूशन इतना कम था कि आप इधर से कांचनजंगा भी दिख सकते थे। सिलीगुड़ी में आपको श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो उतना अच्छा शायद नहीं दिख रहा है, व्हाइट बैलेंस ठीक नहीं है इसका। ठीक है चलो यार, देखिए गैंगटॉक वाला जो रास्ता है ना, वो रास्ता अच्छा है, दार्जिलिंग वाला रास्ता वो थोड़ा कंजेस्टेड होता है। बंगाल सफारी के सामने वाला जो रास्ता है वो रास्ता बहुत सही है। सर काशिया नहीं रास्ता है ना, रास्ता चेंज कर लिया, अभी मौसम धीरे धीरे सही हो रहा है। यहाँ तो आपने सब भी देखा ही होगा, बहुत सारा वीडियो में, जब कोरोना का टाइम था तभी आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था। अभी आ गए हम लोग पहाड़ के रास्ते पे, देखिए क्या मस्त लग रहा है ना। ट्रैफिक है, लोग ढंग से चल रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, सब सही है, लेकिन लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मतलब पहाड़ के एकदम पीक के नीचे जगह है ना ये जगह, तो ये जगह में आपका गर्मी ज्यादा होता है, प्रेशर नीचे चला आता है, तो इसीलिए अभी जो हवा लग रहा है तो वो लग रहा है कि एकदम मुंह की तरह हवा लग रहा है। ये नीचे का हवा है, ये थोड़े देर में ऊपर उठूंगा जो चेंज होता है, बोलते हैं कि पहाड़ के ऊपर मौसम चेंज होता है, तो ऐसे मौसम चेंज होता है। इधर का हवा गर्म होता है, बहुत बहुत गर्म होता है, एकदम लू लग रहा है, लू
देखिए अभी हॉर्न नहीं है, अरे मैं जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर गोकुलधाम के अंदर। ये रोहिणी टोल प्लाजा बाइक का लगता है। देखिए अभी तो बहुत ज्यादा ऊपर ओवर पॉपुलेटेड हो गया और टूरिस्ट भी हो गया, तो पहले जो सस्ते सस्ते में मिलता था होमस्टे वगैरह अभी वो नहीं मिल रहा है। देखिए वो नहीं देगा आपको, आपको मिलना तो चाहिए लेकिन वो नहीं देगा, आप क्या कर सकते। अभी हम लोग काशीड पहुंचने वाले हैं, देखिए ऊपर से बादल आ रहे हैं तो पहाड़ का वेदर ऐसा ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डाउ हिल। डाउ हिल एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, बोलते हैं कि एक स्कूल है, तो स्कूल में एक 24 साल का लड़की किसी तरीके से उसका मौत हो गया था। तो उधर स्कूल के साइड में बंगला था, उधर ही रहता था, उस स्कूल में पढ़ता था। कुछ ही दिन बाद उस स्कूल में उसका हंसने की आवाज, खेलने की आवाज आ रहा था बहुत, तो सब लोग हैरान हो गए क्या चार्च है। वो चार्च में भी आग लग गया था, तो उसी कारण ये हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। तो बोर्डिंग स्कूल है तो कोई भी उधर नहीं रहता है, सबको घर भेज देता है। ये देखिए ये सामने दिख रहा है वो है काशियांग। हम लोग काशियांग नहीं जाएंगे, हम लोग काशियांग होते हुए चले जाएंगे बाहर डाउहिल देखने के लिए। अच्छा ये सीधा चला गया काशियांग दार्जिलिंग टुंग सोनादा जोर बांग्लो घूम, ये सब सीधा। और ये वाला टॉय ट्रेन का रूट है और इधर हम लोग चले जाएंगे, इधर हम लोग को जाना है उस तरफ। ठीक है तब चलिए चलते हैं। सर वो डाउहिल का जो चार्च है वो इस तरफ है आगे जाके लेफ्ट लेफ्ट ऊपर। तो ठीक है चलिए हम लोग चलते इस तरफ, वो चला गया शहर की तरफ। मैं लग रहा हूँ गलत रास्ते में आ गया फिर से, लेकिन इधर का वेदर देखिए क्या मस्त वेदर हो चुका। म्यूजियम है वो कहाँ पर है? वो नीचे होगा, नीचे होगा ना। और डाउहिल का चार्च स्कूल इस तरफ ऐसे है ना। और इधर से उधर जाने के लिए फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, ओ लंबा पड़ेगा। ठीक है थैंक यू। बढ़िया रास्ता है भाई, ओ माय गॉड, देखो 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 क्या वो चीज है, क्या बैलून है या खरा कोई।
दाउहिल का जो स्कूल और चर्च है वो इस तरफ है क्या? इस तरफ। थैंक यू। रास्ता बहुत, मतलब जितना ऊपर उठे उतना नीचे जाना पड़ रहा। अच्छा, ये वाला रास्ता, ये बाएं वाला जो रास्ता चला गया वो रास्ता गया दार्जिलिंग, और हम लोग इधर जा रहे हैं, हम लोग इधर जा रहे हैं दाउहिल। अभी दाउहिल 2 किलोमीटर ही बचा है बस। ये दाउहिल का रास्ता कौन सा जाता है? यहाँ से सीधे जाइए। हाँ, सीधे जाके आपको जहाँ पर इस तरह का ऊपर वाला जाने रास्ता है ना, अच्छा मिलेगा वही, वहाँ से ऊपर। अच्छा अच्छा, ये रास्ता नहीं जाता ना, ये रास्ता आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। आप लोग स्कूल जाएगा ना, कहाँ जाएगा वो स्कूल और चार्ज जो है ना? स्कूल चार्ज रास्ता दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जाने से थोड़ा ऊपर में एक टर्निंग और दो टर्निंग लेने के बाद ऐसा वाला रास्ता मिलेगा। अच्छा, ये वाला बड़ा वाला रास्ता मत जाइए, ये वाला थोड़ा ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर जाने के बाद ही टर्निंग मिलेगा, थोड़ी ऊपर जाने से एक टर्निंग दो टर्निंग मिलेगा, उसके बाद ऐसे जाने से इधर है ना ये वाला। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। देखिए पहाड़ में गूगल गुगलू गुगलू हो गया, मेरा बैटरी भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, ऊपर उठ रहा हूँ, बैटरी भी जल्दी ख़त्म होगा। देखिए पहले 2 किलोमीटर था, भैया दाउहिल कौन सा रास्ता? हाँ, दाउहिल का रास्ता आ रहा है। दाउहिल का जो चार्ज है इस तरफ क्या जा रहा है? ओह अच्छा अच्छा, चार्ज इस तरफ है। हाँ, बाहर से देख सकते ना ये। ओ, मैंने पहले गया था, बहुत पहले, तभी वो सामने गया था, बंद था, लेकिन वो वो तो पता नहीं, लेकिन वो दरवाजे के अंदर से देखा था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, देख लेते। बोल रहे कि अभी दाउहिल में जाना चर्च में नहीं जाने देता है, तो ठीक है चलिए देखते, आए इतना दूर, थोड़ा रास्ता का एंजॉय। रास्ते ऊपर बोल रहे हैं कि पार्क है, तो ये पाइन फॉरेस्ट देखने के लिए मैं जा रहा हूँ ऊपर।
इधर से हम लोग हाथ लगाएंगे ऐसे इधर से आए सब उधर से एक को इधर बैलेंस कर दो नहीं करना वेट 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 वन टू थ्री आप चढ़ लो सीधा ऊपर तक हाँ ऊपर तक ढाकन भी निकाले इस ट्रेन में स्टार्ट हो गया ये अच्छा है हाँ थोड़ा नीचे लाओ थोड़ा थोड़ा नीचे लाओ थोड़ा बैठ चले ऊपर तक चले गए आपको ले गए ऊपर तक सड़कपुर जा रहे हैं ना हाँ सड़कपुर आप कहाँ ये साइड से मतलब देख देख साइड से नहीं मुझे सिर्फ मुझे इधर डाउ हिल में मैंने 6-7 साल पहले आया था इधर एक चार्ज था पूरा आग लग गया था ओ चार्ज हाँ एक चार्ज था मेरे पास फोटो नहीं है अभी एक चार्ज था उधर पूरा आग लग गया था वो चार्ज आग लगा तो स्कूल में लगा था स्कूल के बगल में कोई चार्ज था ये विक्टोरिया चार्ज नहीं वो नहीं है वो नहीं दूसरा एक चार्ज था उसमें आग लग गया था तब मैं गाड़ी में आया था तो भैया ने हमें दिखाया था वो बहुत अच्छा लगा था मुझे मैं अकेला गुड़दू मत चल गया कुछ नहीं हुआ इधर आके मैं गिर गया गिर गया अभी हाँ प्रेशर ज्यादा हो गया लग गया नहीं लगा लगा तो नहीं शायद इधर थोड़ा लगा बाकी तो ठीक है चटकपुर जाने का रास्ता यही है चटकपुर ऊपर ठीक है अच्छा हाँ हाँ चिमनी अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू सिक्किम साइड का जो रास्ता है रास्ता अच्छा है और चराई भी कम है ऐसे करके रास्ता बना है लेकिन दार्जिलिंग साइड का जो रास्ता है वो उतना अच्छा नहीं है नहीं चटकपुर जाने का रास्ता क्या ये ऊपर वाला है चटकपुर यही रास्ते में अच्छा ये ऊपर वाला रास्ता कहाँ जा रहा है ओह अच्छा अच्छा वो चिमनी बोला चिमनी कहाँ अच्छा ठीक थैंक यू चिमनी कहाँ पर चिमनी बोला चिमनी यही है ना इधर से मतलब यही रास्ता सीधा जाता है एकदम चटकपुर अच्छा ठीक है दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहता है और बहुत ज़्यादा जैम भी लगता है
है आपका घूम स्टेशन। दार्जिलिंग इधर से ज्यादा दूर तो नहीं होगा, दार्जिलिंग इधर से ये डाली मॉनेस्ट्री है शायद, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री दानगांस मंदिर। अगर आपका ट्रायल प्राइस ज्यादा रहेगा ना तो ये रास्ते में ग्रिप नहीं मिलेगा। और दार्जिलिंग में एक मोड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे है वो मोड़ में ना, कभी भी मैं दिखाता हूँ उसके बाद ही बोलता हूँ तभी पता चलेगा आप लोगों को। वो मोड़ में फाइन कटता है 500-5000, बहुत ज्यादा फाइन कटता है। और मैं सजेस्ट करूंगा अगर दार्जिलिंग में आते हो, अगर आपका बजट 2,000 से 3,000 तक है रूम का, तो आप वेस्ट बंगाल टूरिज्म का जो होटल है वो मेघबालिका बोलते हैं, मेघबालिका टूरिस्ट लॉज दार्जिलिंग का, बहुत पुराना है ब्रिटिश टाइम का और वो एक दार्जिलिंग का एकदम टॉप में है वो। और उधर से ना ये रायतारा बतासिया लूप, देखिए ट्रेन आ रहा है शायद। तो धूप निकला है, अच्छा लग रहा है थोड़ा, नहीं बारिश तो होगा आसमान में, देखिए बारिश तो होगा ही। ये है बतासिया लोग, इधर पूरा क्रॉस करके जाते हैं।
अरे यार रास्ता बहुत खराब है, मुझे जाना नहीं चाहिए शायद। कुछ एडवेंचर होता है, एडवेंचर तो सही है लेकिन रास्ते में बहुत धीरे जाना होगा मुझे। तो मेरा प्लान था चोटकपुर जाने का, चटकपुर तो बंद है अभी, वो बोला कि 15 जुलाई से तो ये के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है तो 15 जुलाई से बंद है। तो मैं तो काठियांग होके बागोड़ा होके वो रास्ता था, वह रास्ता गया था लेकिन रास्ता का हालत बहुत खराब था। फिर से वापस आ गया, हमें वापस आके इधर से सोनादा से जाने की कोशिश किया लेकिन वो एक ड्राइवर साहब ने बोला कि अभी वो बंद है अभी वो। बड़ी इधर से कितना दूर है वो, आज आपका वो चटकपुर के काल निकलेंगे कालुक, कालुक सिक्किम के कालुक। हाँ कालुक, थैंक यू, आप आपके अच्छा लगा, बाय।